खबरें हरियाणा से जुड़ी हुई। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी के संकल्प पत्र को लुभावना पत्र बताया जा रहा था, उन सभी कहावतों को पीछे छोड़ते हुए आज हरियाणा के सीएम सैनी ने बीजेपी के संकल्प पत्र के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रमुख दो वादे पूरे कर दिए हैं। बता दें, सीएम सैनी ने मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन की घोषणा की है। वहीं रोहतक पीजीआई में टेली परामर्श सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया है। टेली परामर्श सेवा से चिकित्सा विशेषज्ञों से फ्री परामर्श की सुविधा रहेगी। वही मुख्यमंत्री ने अग्रवाल नर्सिंग होम कुरुक्षेत्र का एम्पैनलमेंट रद्द करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में फ्री ऑपरेशन होगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम सैनी जनता से किए संकल्प पत्र के बाकी वादे कब और किस तरह पूरे करेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत और विश्व में उभरते सितारे के रूप में भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। चाहे G20 की बात है, G20 पहली बार भारत के अंदर बड़े बड़े विदेशों के नेताओं को यहाँ पर उसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है, और ओलंपिक की भी मेज़बानी करने का हमें अवसर मिलेगा, तो यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत 2047 तक, जब हम आज़ाद भारत के 100 वर्ष मनाएंगे, तो ये विकसित राष्ट्र होगा, और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, और हरियाणा भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।